हेलो दोस्तों, एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि गूगल पे से रेफर करके पैसा कैसे कमाएं, बिल्कुल सही तरीका ए टू जेड आल प्रोसेस। आज की वीडियो में बताएंगे कि आपको रेफर कोड कैसे अप्लाई करना है आपके फ्रेंड में, एंड आप सभी को क्या क्या प्रोसेस होता है जब आप सभी लोग यहाँ पर गूगल पे पर रेफर करते हैं अपने फ्रेंड को, तब आप सभी को यहाँ पर पैसा मिलता है। किसी में 101 रुपये का कैशबैक रेफर करने पर, किसी में 201, किसी में 301 रेफर करने पर पैसा मिलता है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर सही तरीके से रेफर नहीं कर पाते हैं, रेफर कोड नहीं अप्लाई करते हैं और उन्हें पैसा नहीं मिलता है। तो आज की वीडियो में आप सभी को ए टू जेड पूरी हिंदी में जानकारी देने वाला हूं, रेफरल कोड कैसे अप्लाई करना है, उसके बाद क्या प्रोसेस है, क्या कैसे आपको फर्स्ट ट्रांजेक्शन करना है, एंड सारा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला है, जिससे आप सभी लोग इस वीडियो में देखेंगे एंड आप समझ जाएंगे। उसके बाद आपको पूरे यूट्यूब पर किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड आप भी गूगल पे से रेफर करके पैसा कमा सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि रेफरल कोड कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को साइड में मोबाइल का स्क्रीन देखने को मिलेगा, मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं, आप सभी को बताते हैं कि आपको पहले रेफर लिंक एंड रेफर कोड कैसे भेजना है अपने फ्रेंड के पास, जिस फ्रेंड को आपको गूगल पे एप्लीकेशन डाउनलोड कराना है। तो पहले आप सभी को रेफर कोड एंड रेफर लिंक भेजना बताते हैं। अभी लोग गूगल एप्लीकेशन को ओपन करूँगा, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस रहेगा। अब आपको करना क्या है, आपका अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई वगैरह सब बना हुआ है, तो आप सभी को पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने लिंक को अपने फ्रेंड के पास शेयर करना है। तो आप सभी सबसे लास्ट में चले आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इन्वाइट लिंक, आप सभी को इस लिंक को अपने फ्रेंड के पास भेज देना है, जिस फ्रेंड को आप सभी लोग गूगल पे एप्लीकेशन बनाना है, उसका न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, उसके पास व्हाट्सएप पे आप सभी लोग उसके SMS कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं व्हाट्सएप पे क्लिक कर दूंगा एंड इस लिंक को उसके पास मैं शेयर कर दूंगा, एंड ओके पे क्लिक करूंगा, लिंक चला गया। एंड आप सभी को रेफर कोड आप सभी लोग देख सकते हैं कि आप सभी को यहाँ पे रेफर कोड भी देखने को मिल रहा होगा। अगर आपको रेफर कोड नहीं मालूम है तो आप बैक आ जाना, एंड यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा कॉपी टू रेफर कोड, आप सभी को ये रेफर कोड भी कॉपी करके आप सभी को व्हाट्सएप पे उसी नंबर पे अपने फ्रेंड के पास भेज देना है, एंड जैसे कि सेंड कर देंगे। अब आप सभी को करना है क्या, इसी लिंक के थ्रू डाउनलोड कराना। तो सारा प्रोसेस मैं मोबाइल के स्क्रीन पे बताऊंगा ए टू जेड प्रोसेस, कि आपको फ्रेंड के मोबाइल में कैसे डाउनलोड करना है, बैंक अकाउंट कैसे लिंक करना है, रेफर कोड अप्लाई करना है। तो मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं। इसी लिंक के थ्रू आप सभी को गूगल पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है आपके फ्रेंड के, जिस मोबाइल पे आपने लिंक को सेंड किया है। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, डाउनलोड गूगल पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड गूगल पे क्लिक करेंगे आप सभी के सामने कुछ एक नया पेज इस तरह देखने को मिलेगा, आपको इंस्टॉल कर देना है। आपको ध्यान देना कि आप में पहले गूगल पे एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप सभी को अपना फ़ोन को रीसेट कर देना, वरना आपको रेफरल का पैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे आप सभी को कुछ प्रकार का इंटरफेस आएगा, आपका एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा, आप उसे ओपन करना है। जैसे आप सभी लोग एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आप सभी को अपना मोबाइल नंबर डालना है, जिस मोबाइल नंबर से आपको गूगल पे एप्लीकेशन को बनाना है। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको OTP को सबमिट करना है, उसके बाद आप सभी लोग जैसे OTP को वेरीफाई करेंगे आप सभी को कुछ प्रकार का ऑप्शन आएगा यूज योर लॉक स्क्रीन, तो आप सभी लोग यूज योर लॉक स्क्रीन पर सेट करना है, या अपना 4 अंक का एक कोड भी बना सकते हैं सिक्योरिटी के लिए, ये कंपलसरी है, आप सभी को बनाना ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 4 अंक का एक कोड बनाकर यहाँ पे एस, उसके बाद आप सभी लोग एस का ऑप्शन आएगा एस पे क्लिक कर देना है, एंड फिर न्यू पेमेंट मेथड का ऑप्शन आएगा, फिर न्यू पेमेंट मेथड पे आपको नहीं क्लिक करना है, बैक आ जाना है यहाँ पे, एंड आपको पहले रेफरल कोड अप्लाई करना है। तो ऊपर 3 डॉट जो आप ऑप्शन देखने को मिलेगा इस पर क्लिक करना, एंड फिर 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिर रेफरल कोड का ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा इंटर योर रेफरल कोड। तो आपने जिस लिंक के थ्रू डाउनलोड किया उस फ्रेंड का आप सभी को रेफरल कोड यहाँ पे कॉपी कर लेना। तो यहाँ पे मैं उनको व्हाट्सअप ओपन करके उसका रेफरल कोड कॉपी कर लूँगा, एंड कॉपी करने के बाद आप सभी को उस रेफरल कोड को यहाँ पे पेस्ट करना है, एंड आप सभी लोगों को जैसे कि उसका रेफरल कोड यहाँ पे आप सभी लोग अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल अप्लाई हो गया। अब आपको क्या करना है, मेक योर पेमेंट पे क्लिक कर सकते हैं या आप यहाँ से बैक हो सकते हैं। तो मेक योर पेमेंट पे मैं क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे आप सभी लोग मेक योर पेमेंट का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, जिसके लिंक के थ्रू आपने डाउनलोड किया है उसी के थ्रू आप सभी लोग को फर्स्ट ट्रांजेक्शन करना है, तो आप सभी को इंस्टेंट पेमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसी के लिए जिसके लिंक के थ्रू मैंने डाउनलोड किया था उसी के पे अब पैसा पे कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब उसके पे क्लिक किया एंड यहाँ पे बैंक वेरीफाई के लिए आ गया। तो आपको अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है जो बैंक आपके मोबाइल नंबर से लिंक है, उसके बाद मेरे में देख सकते हैं अपडेट आ गया, अपडेट कर लेना है, एंड अपडेट करने के बाद आप सभी लोग रेफरल कोड अप्लाई करने के बाद आ तो आप बैक आ जाना, उसके बाद एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आप सभी लोगों को क्या करना है, नीचे चले आना है बैंक वेरीफाई करने के लिए, चेक बैंक बैलेंस पर क्लिक करना, ऐड बैंक बैलेंस अकाउंट पर क्लिक करना, फिर अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना जो बैंक अकाउंट आपके मोबाइल नंबर से लिंक है। आप सभी लोग जैसे उस पर क्लिक करेंगे यहाँ वेरीफाई मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ जाएगा, वेरीफाई होना स्टार्ट हो जाएगा।
आप सभी को यहाँ पे वेट करना 5 से 6 सेकंड या 7 सेकंड 8 सेकंड में आप सभी का बैंक ऑलरेडी वेरीफाई हो जाएगा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सक्सेसफुल UPI वेरीफाई हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा UPI वेरीफाई हो गया। एंड चेक बैलेंस पे आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आप चाहें तो अपने बैंक का अकाउंट चेक कर सकते हो। तो मैं अपना UPI डाल देता हूँ। एंड जैसे कि डालूंगा तो अभी देख सकते हैं मेरा अमाउंट कितना है। एंड मैं पे क्लिक करूंगा जिसके लिंक के थ्रू मैंने डाउनलोड किया था, उस पर 100 रुपीज़ जैसे सेंड करूंगा, यहाँ पे 100 रुपीज़ पे क्लिकूँगा, पे क्लिक करूंगा। एंड जैसे कि पे क्लिक करूंगा आपको अपना लोकेशन वगैरह अलाउ कर देना है, उसके बाद एप्लीकेशन को परमिशन वगैरह दे देना है। एंड जैसे कि मैं पे क्लिक करूंगा यहाँ पे अपना UPI पिन डाल दूंगा जो मेरा UPI पिन है। एंड जैसे कि पिन यहाँ पे मैं एंटर करूंगा एंड यहाँ पे टिक के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे जैसे कि मेरा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजेक्शन जैसे सक्सेसफुल हो गया, मुझे जो है यहाँ पे 21 रुपये मिल जाएंगे। जो स्क्रैच कार्ड मिलेगा उसे स्क्रैच करेंगे 21 रुपये मिल जाएगा। एंड जिसके लिंक के थ्रू मैंने डाउनलोड किया था आप सभी लोग प्रूफ देख सकते हैं, उसे 201 रुपये का कैशबैक उसे स्टैंड मिल गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि गूगल पे का रेफर कोड आप सभी लोग को कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन अपना बैंक अकाउंट लिंक करके फर्स्ट ट्रांजेक्शन कैसे कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको 201 रुपये का कैशबैक मिलेगा। A to Z आज जितना भी प्रोसेस होता मैंने आप सभी को वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया होगा। आई होप आप सभी को समझ में भी आ गया होगा और आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। तो यार अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।